نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ये दो महीने पहले कर्नाटका में
जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नबी की तरफ से डिफेंस करें। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी है हमारे नबी की तरफ से दिफा करें। पर आपको जाने बगैर आपके सिलसिले में आप दिफा नहीं कर सकते। प्यारे नबी की सीरत को पढ़े बगैर आप दिफा नहीं कर सकते। कोई दुश्मन अगर आपसे पूछे कि तुम्हारे नबी दहशत कर दे, तुम्हारे नबी ने इतने जंगे किए हैं, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे हुनैन, जंगे तबूक, जंगे खंदक, जंगे अहज़ाब, मदीने की 10 साल जिंदगी में तुम्हारे नबी ने 80 से ज्यादा जंगे लड़ी हैं, अब उस दुश्मन पर कैसे जवाब देंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े बगैर आप जवाब नहीं दे सकते। इसलिए जरूरी है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना। इस वक्त हमारे नौजवान जो हमारा न्यू जनरेशन है, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले, ये इस्लाम से इतने दूर होते जा रहे हैं, इतने दूर होते जा रहे हैं कि इन नौजवानों से, इस न्यू जनरेशन से आप किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के बारे में पूछे, आप उसका बैकग्राउंड खोल के रख देंगे। किसी फिल्मी अदाकार के बारे में, हीरो के बारे में पूछिए, आज का नौजवान पूरा बैकग्राउंड खोल के रख देगा। आज का नौजवान जिस कदर क्रिकेट के खिलाड़ियों को जानता है, फिल्मी अदाकारों को जानता है, उतना ना हमारे नबी के बारे में जानता है, ना हमारे सहाबा के बारे में जानता है। कितने अफसोस की बात है, आज के नौजवानों में अक्सर ऐसे ही, हमारे नबी का काम तो छोड़ो, हमारे नबी का नाम तक जानते नहीं। क्या कहते हैं नौजवानों से, बहुत सारे नौजवान हैं, पूछते हैं कि नबी का नाम क्या है बताओ, तो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कहता है हमारे नबी का नाम बताओ, कहते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कहता है हमारे नबी का नाम बताओ, क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हमारे नौजवानों के मालूमात हमारे नबी के सिलसिले में। जिस कौम को नबी का नाम तक मालूम नहीं, कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि यह कौम कामयाब होगी? ये ना दुनिया में कामयाब हो सकती है, ना ये आखिरत में कामयाब हो सकती है। इसलिए हजरात सीरत रसूल को जानना बहुत जरूरी है। और सीरत रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत की सीरत है, इंसानी तारीख की सबसे अहमियत सीरत है, इंसानी तारीख की सबसे बाकमाल इंसान की सीरत है। और यह भी हमारा ईमान है, यह भी हमारा अकीदा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान ना आया है ना आ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बाकमाल इंसान, बेदाग इंसान, बेहतरीन इंसान ना दुनिया में आया है और ना ही आ सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल इंसान थे, बेमिसाल शख्सियत थे। आपकी जिंदगी बड़ी बेमिसाल जिंदगी थी। आपसे बड़ा इंसान दुनिया में आया नहीं। आपसे ज्यादा ईमान वाला इंसान, आपसे ज्यादा तक़वे वाला इंसान नहीं आया। प्यारे नबी की जिंदगी वो जिंदगी है जिसने लाखों इंसानों को जिंदगी दी है। प्यारे नबी की सीरत वो सीरत है जिसने लाखों इंसानों को सीरतें दी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात वो हयात है जिसने लाखों कौमों को हयात बख्शी है, कई कौमों को जिंदगी बख्शी है प्यारे नबी की सीरत। और ये हमारा चैलेंज है, इंसानी हिस्ट्री में बहुत सारे पैगंबर आए हैं,
जितना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया किसी इंसान के बारे में नहीं लिखा गया। जितनी किताबें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई दुनिया में किसी पैगंबर के बारे में और किसी बड़े लीडर के बारे में इतनी किताबें नहीं लिखी गई। और यह भी हमारा चैलेंज है कि जिस कदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तफसीलात मिलती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के डिटेल्स मिलते हैं, उतना इंसानी हिस्ट्री में किसी इंसान के उतने डिटेल्स और उतनी तफसीलात नहीं मिलती। हदीस की किताबों को पढ़ो आप, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा महफूज है। आपकी पैदाइश से लेकर आपके वफात तक एक एक सेकंड महफूज है, एक एक मिनट महफूज है, एक एक लम्हा महफूज है, एक एक गोशा सेव है। पूरी जिंदगी की हिफाजत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने किया। आप कब पैदा हुए, आप कहां पैदा हुए, आप किस वक्त पैदा हुए, आपका रंग कैसा था, आपका चेहरा कैसा था, आपकी नाक कैसी थी, आपके होंठ कैसे थे, आपके दांत कैसे थे, आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, आपके कान कैसे थे, आपकी पेशानी कैसी थी, आपके बाल कैसे थे, आपके गाल कैसे थे, आपके अबरू कैसे थे, आपके हाथ कैसे थे, आपके पांव कैसे थे, आप कैसे खाते थे, आप कैसे पीते थे, आप कैसे सोते थे, आप कैसे जागते थे, आप कैसे चलते थे, आप कैसे उठते थे, आप कैसे बैठते थे, आप कैसे पढ़ाते थे, आप कैसे सिखाते थे। जिंदगी का एक एक लम्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफूज है। हत्ता कि आप कैसे मुस्कुराते थे, कैसा गुस्सा होते थे, कैसे हंसते थे, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी का यह महफूज है। तारीख इंसानी में एक चैलेंज है, किसी इंसानी का ऐसा महफूज नहीं। हजरात गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत यह भी है कि आपकी जिंदगी वो जिंदगी है। इस जिंदगी की अल्लाह ताला ने सातों आसमानों से कसम खाई है। अल्लाह ने किसी इंसान की जिंदगी के कसम नहीं खाया, सिर्फ ये जिंदगी है, ये सीरत है, ये हयात है, जिसकी अल्लाह ताला ने सूरे हिज्र के अंदर कौम लूत की बुराई का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया, लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ऐ पैगंबर, आपकी जिंदगी की कसम, आपकी सीरत की कसम, आपकी हयात की कसम, यह कौम लूत अपने नशे में बहके हुए जा रहे हैं। कितनी मुबारक जिंदगी होगी जिसकी रब ने कसम खाई, कितनी बाखलाक जिंदगी होगी, कितनी अवलिया जिंदगी होगी जिसके साथ आसमानों से कसम खाई गई, और कितनी बेदाग जिंदगी होगी वो जिंदगी जिसके अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर से कसम खाई। और ये बात याद रहे, अल्लाह के लिए जायज है मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन मेरे और आपके लिए जायज नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाई है, लेकिन मेरे और आपके लिए जायज नहीं कि हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाए। तो हजरात, सीरत रसूल का मुताला करना यह बहुत जरूरी है, हर मुसलमान पे जरूरी है। क्यों जरूरी है? याद रखिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को एक आइडियल की जरूरत होती है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक नमूने की जरूरत होती है। सिर्फ जुबान से आप किसी को कहेंगे तो उतना असर नहीं होगा। किसी की प्रैक्टिकल लाइफ लाके सामने रख लो और वो तुमको ऐसे करना है। बच्चे को अगर कोई नमूना दे दिया जाए कि सेम पेपर पे उतारो, देख के आसानी से उतारेगा। अगर मुझे ऐसे ही बोल देंगे देख के पेपर उतारना बच्चे के लिए मुश्किल है, तो किसी की प्रैक्टिकल लाइफ हमारे सामने
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी जिंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा आइडियल वाली, नमूने वाली जिंदगी और किसकी हो सकती है? और तो और, नमूना जिंदगी के लिए ये हमारे नबी को भी जरूरत पड़ी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत तबलीग का काम शुरू किए तो खुद आपके लिए भी नमूने की जरूरत थी। तीन मिसालों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। पहली मिसाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत का काम शुरू किए तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले पैगंबरों के वाकयात को जिक्र किया है। नूह अलैहि सलाम का वाकया, हूद अलैहि सलाम का वाकया, सालेह अलैहि सलाम का वाकया, मूसा अलैहि सलाम का वाकया, ईसा अलैहि सलाम का वाकया, इब्राहिम अलैहि सलाम का वाकया जिक्र किया। जिक्र करने के बाद कहा उलाइकल लजीना हदल्ला फबिहुदाह मुक्तदी। ये सब वो पैगंबर हैं, ये सब वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की है। अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी इन पैगंबरों के नक्शे कदम पे चलिए, आप भी इन पैगंबरों की रविश में चलिए। तो यहां देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत के रास्ते में, जिंदगी में नमूने की जरूरत थी। तो अल्लाह पिछले पैगंबरों के वाकयात को जिक्र किया। और सूरह हूद की जो आयत करीमा शुरू में मैंने तिलावत किया, अल्लाह ने फरमाया वो कुल्लम नकुसु अलैका मिन अंबाए रुसुल मा नुसब्बित बिहि फुआदक। हम पिछले पैगंबरों के वाकयात को जिक्र करते हैं ताकि उनके जरिए से आपके दिल को हम मजबूत करें। पैगंबरों के वाकयात को सुनकर, पैगंबरों के वाकयात को पढ़कर प्यारे नबी को रास्ता मिलता था, आपको रहनुमाई मिलती थी। और दूसरी मिसाल, जब मक्की की जिंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के रास्ते में लोग सताने लगे, सताने वाले कोई और नहीं, ये सोचकर आप और ज्यादा परेशान होते थे, मुझे सताने वाले कोई और नहीं, ये मेरे रिश्तेदार, मुझे तकलीफ देने वाले कोई और नहीं, ये मेरे कबीले वाले, मुझे परेशान करने वाले कोई और नहीं, ये मेरे खानदान वाले, मुझे सताने वाला मेरा सगा चचा हूद है। ये सोचकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे तो आसमान से उसी वक्त सूरह यूसुफ नाजिल हो गई। सूरह यूसुफ नाजिल हो गई, उनका नमूना पेश किया गया और बताया गया, अरे पैगंबर आप गम ना करो, आप गम ना करो, ये सिर्फ ये परेशानी सिर्फ आपके साथ खास नहीं, आपसे गुजरे हुए पिछले पैगंबरों को भी उनके खानदान वालों ने इसी तरीके से सताया है। खुद यूसुफ अलैहि सलाम को देख लो, उनको घर से बेघर करने वाले, उनको घर से निकाल कर कुएं में बावड़ी में ले जाके डालने वाले ये कोई और नहीं थे, उनके अपने सगे भाई थे। जब इस वाक्य को सुनते, गुजरे वाक्यात नमूना बनाकर उनको पढ़ते, उनको सुनते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम हल्का होता था, आपका रंज खत्म होता था, आपको जिंदगी में इत्मीनान मिलता था। और तीसरी मिसाल, जब हिजरत का जमाना करीब आया, मक्का छोड़कर मदीने को जाने का जमाना करीब आया तो अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम का किस्सा जिक्र किया। सूरह कसस में उसकी तफसीलात नहीं। मूसा अलैहि सलाम मिस्र छोड़ के हिजरत करके मदीन चले गए। जब मूसा अलैहि सलाम मिस्र छोड़ के मदीन चले गए, फिरौन मूसा को कत्ल करने के तलाश में पुलिस को फैला दिया। पुलिस मूसा अलैहि सलाम को कत्ल करने के लिए इधर उधर तलाश करने लगी, इधर उधर तलाश करने लगी। तो इस माहौल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाकये को जिक्र करके इशारा दिया गया, ऐ नबी आपकी हिजरत भी ऐसे ही माहौल में होने वाली है। यानी जिस तरीके से मूसा अलैहि सलाम को हिजरत करने पर फिरौन और उसके चाहने वाले मूसा के खून के प्यासे बन गए, जब आप हिजरत करेंगे तो और आपके खून के भी प्यासे हो जाएंगे।
सही सलामत पहुंचा देगा। कहना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिंदगी में नमूने की जरूरत थी, तो मुझे और आपको नमूने की कितनी जरूरत है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडिया है। हम भी जब दावत का काम करेंगे कौम हमको भी सताएगी, तकलीफ देगी, तंग करेगी, तो हमारा दिल भी छोटा हो जाता है, हमारा दिल भी तंग हो जाता है। तो ऐसे वक्त में हमको प्यारे नबी की सीरत को पढ़ना होगा। उस वक्त ताइफ का वाकया याद करो, तो ताइफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार के लहू लहान कर दिए, खून खून कर दिए। इस वाकये को जब हम पढ़ेंगे तसल्ली मिलती है, कौम ने हमारे नबी को नहीं बख्शा, मुझे और आपको क्यों बख्शे। तसल्ली मिलती है सीरत के वाकयात को पढ़ने से। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जिंदगी और आपकी हयात एक बहुत बड़ा मौजिजा, दुनिया वालों के बड़ा मौजिजा इस हैसियत से भी कि जिस जिस नाहिये से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप पढ़ेंगे, उस नाहिये में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नमूना पाएंगे। ये बाप को आप देखना चाहते हैं कि आइडियल बाप कैसा होता है, उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नमूना मिलेंगे। एक मिसाली शौहर को कैसा होना चाहिए अगर देखना चाहते हैं, प्यारे नबी आपको नमूना मिलेंगे। एक मिसाली पड़ोसी कैसा होता है देखना चाहते हैं, प्यारे नबी आपको नमूना मिलेंगे। एक मिसाली उस्ताद और टीचर कैसा होता है देखना चाहते हैं, प्यारे नबी आपको नमूना मिलेंगे। एक मिसाली कमांडर और लीडर कैसा होता है अगर आप देखना चाहते हैं, तो प्यारे नबी आपको नमूना मिलेंगे। ये प्यारे नबी का मौजिजा है, हर नाहिये से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमूना मिलेंगे। लेकिन मेरी और आपकी कमजोरी है, ये इंसान दूसरे इंसानों की वीकनेस है, हम हर नाहिये में नमूना नहीं बन सकते। एक आदमी बाप होने की हैसियत से कामयाब है, शौहर होने की हैसियत से नाकाम हो जाता है। एक आदमी टीचर होने की हैसियत से एक आइडिया है, बेहतरीन है, लेकिन वही टीचर पड़ोसी होने की हैसियत से नाकाम हो जाता है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, हर नाहिये से चाहे बाप का नमूना ले लो, चाहे शौहर का नमूना ले लो, चाहे उस्ताद का नमूना ले लो, चाहे बादशाह का नमूना ले लो, हर नाहिये से हर हैसियत से नमूना मिलेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक के इंसानों में कमजोरियां होती, हर इंसान में, इंसानों के अंदर भूलने की आदत होती है, गलती करने की आदत, हर इंसान के अंदर दो आदतें होती है, इसको बशरी कमजोरी कहते हैं। बशरी कमजोरियों में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके नमूना। दो मिसाल मैं आपको देता हूं। पहली मिसाल, एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ाए, दो रकात को सलाम फेरती है। हालांकि कितनी रकात है असर की नमाज? चार रकात है। दो रकात को सलाम फेरती है, सहाबा परेशान, क्या करेंगे, पूछने डर रहे थे। अबू बकर थे वहां मजलिस में, उमर थे, सहाबा नहीं है तकल्लमा, हदीस के अल्फाज है, ये दोनों भी डर रहे थे पूछने के लिए। सब सहाबा मिलकर क्या करें, सुलियतैन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत क्लोज है, उनको भेजेंगे। सुलियतैन आए, बड़े अदब से पूछे, अब उसी हम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज में कमी कर दी गई है या आप भूल गए? तो प्यारे नबी ने फरमाया, ना नमाज में कमी हुई है ना मैं भूला हूं। यहां तो यह कंफर्म हो गया तो प्यारे नबी भूल गए। तो आपने क्या फरमाया, ना नमाज में कमी हुई है ना ही मैं भूला हूं, तो यहां क्या कंफर्म हो गया, प्यारे नबी जरूर भूल गए हैं। इसके बावजूद पूछने की आदत देखिए, नहीं अल्लाह के रसूल, दोनों में से कोई एक जरूर है। उस वक्त आसमान से वही ने आपको बता दिया कि आप दो ही रकात पढ़ाए हैं। उस वक्त प्यारे नबी बाकी दो रकात पढ़ा के सजदे सर करके सलाम फेरे। तो यहां गौर करने का मकाम है, इतने बड़े पैगंबर भूल गए, इतने सहाबा के दरमियान नमाज पढ़ा के पैगंबर भूल गए। तो यहां हकीकत यह है, वो भूले नहीं, भुलाए गए हैं। अल्लाह ने उनको भुलाया है जानबूझ के, ताकि
ये सफर में थे अल्लाह के नबी, बड़े बहुत सारे सहाबा भी थे, रात भर चलते रहे और सुबह होने से कुछ देर पहले आखिरी पहर में थक गए और सो गए। और सोने से पहले आपकी आदत थी किसी को निगरान बना के सोते थे, निगरानी करना, जागते बैठना, फजर की नमाज के लिए उठ जगाना। उस दिन हजरत बिलाल को प्यारे नबी ने कहा तुम जागते रहना और फजर की नमाज के लिए उठाना। सब सो गए, थके हुए थे, अब बिलाल भी बैठे जाग रहे थे, जरा टेका लगे वो भी लुढ़क गए, वो भी सो गए। अब सब सो गए, यहां तक कि फजर का वक्त भी खत्म, सूरज भी तुलू हो गया, सूरज की शुआओं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। देखते हैं हैरान से हड़बड़ा के उठते हैं, घबरा के बेदार होते हैं, देख सब सो रही है कौम, सबको जगाते हैं और बिलाल से पूछते हैं बिलाल ये क्या माजरा है। बिलाल ने कहा अखद नफ्सी अल्लज़ी अखद बिनफ्सी, अल्लाह के रसूल जिस जात ने आपको सुला दिया उसी जात ने मुझे भी सुला दिया। प्यारे नबी ना कोई डांट ना कोई गुस्सा किए, एक बेहतरीन लीडर थे। प्यारे नबी सल्लम दूसरों के उज़्र को कबूल करके माफ कर देते थे। बिलाल को कुछ नहीं बोले, कहा मेरे इस जगह से निकलो, यहां शैतान है, जगह बदले। और फिर वजू किए, अजान हुई, सुन्नत पड़े, इकामत हुई, फिर दो रकात फजर नमाज अदा किए। तो यहां देखिए सैकड़ों सहाबा जिसमें अबू बकर उमर भी हैं, अल्लाह के नबी सैकड़ों सहाबा सब सो रहे हैं फजर की नमाज छोड़ के, सूरज भी तुलू हो गया। हालांकि सहाबा कौन नहीं है, रुहबान बिन लैल और फुरसान बिन नहार थे, यानी रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले ये सहाबा और दिन में घोड़ों पर बैठ के मेहनत करने वाले ये सहाबा, ये की आप भी नहीं खुली सब सो गए। हकीकत ये है ये सब सोए नहीं, सुलाए गए हैं, क्योंकि इस मामले में भी नबी को नमूना बताना है। अगर नमाज कज़ा हो गई तो उसको कैसे कज़ा करना है, तो हजरत बताना ये है बशरी कमजोरियां जहां होती हैं वहां भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नमूना बनाया है। आप जो है मुकम्मल कामिल नमूना थे दौरे हाजिर में। एक दानिश्वर है वो आज भी जिंदा है, वो आदमी दिल्ली में रहता है, उनका नाम, उसका नाम आप सुने रहेंगे वहीदुद्दीन खान, मीडिया में बहुत सारा लिटरेचर है उनका। वो आदमी कहता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना तो है लेकिन परफेक्ट नमूना नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वाए हसना तो है भाई, उस्वाए कामिला नहीं हो सकते। देखिए मुसलमान का ये जुमला है, हालांकि गैर मुस्लिमीन कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उस्वाए कामिला है, परफेक्ट नमूना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैर मुस्लिमीन इस बात को मानते हैं। और उसने यहां तक लिखा है वहीदुद्दीन खान ने कि आज के जमाने में जीसस को नमूना बनाना चाहिए, मोहम्मद को नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक लिखा है। हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना भी थे और मुकम्मल नमूना भी थे, ये हमारा ईमान है, हम इस बात को मानते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपकी सीरत को सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी बहुत पढ़ते हैं। खुद हिंदुस्तान की मिसाल ले लीजिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, हिंदू समाज के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जगन्नाथ आजाद। उन्होंने प्यारे नबी की सीरत को इतना पढ़ा है उसकी झलक आप उनकी नज़मों में देख सकते हैं। नातिया अशआर बेहतरीन अंदाज में नबी की तारीफ को करते हैं। और दूसरी एक और हिंदुस्तान के हिंदू समाज के स्वामी लक्ष्मी प्रसाद, उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब लिखी है। किसने? लक्ष्मी प्रसाद ने, हिंदू समाज के स्वामी है वो। क्या है किताब का नाम? किताब मार्केट में मिलती है, किताब का नाम है अरब का चांद, अरब का चांद। और अंग्रेजी दुनिया का एक बहुत बड़ा आदमी माइकल हार्ट ने
यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को किताब में शामिल किया, द 100 यानी इंसानी हिस्ट्री के 100 बड़े बड़े इंसानों को चुन के, इंसानी हिस्ट्री के 100 बेहतरीन इंसानों को चुन के किताब बनाया। और उस किताब में जब फहरिस्त बनाने का वक्त आया, पहले किसका नाम रखे बाद में किसका नाम रखे, तो उसने उस किताब में ये गैर मुस्लिम क्रिश्चियन होकर भी पहला नंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। और क्रिश्चियन होकर भी ताज्जुब की बात है, ईसा अलैहि सलाम का नाम छठे नंबर पर रखा है। और एकरार करते हुए लिखता है, मैं मजबूर हूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखूं, क्योंकि उनसे बड़ी सीरत, उनसे अच्छी शख्सियत मुझे दुनिया में नजर नहीं आई। ये शहादत किसकी है? गैर मुस्लिमों की ये शहादत है हजरात। जब डेनमार्क में, डेनमार्क के अखबार ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कार्टून नशर किए, तो लोगों ने सीरत की किताबों को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, जज्बा इतना आया कि डेनमार्क की लाइब्रेरियों में प्यारे नबी की सीरत पर किताब मिलना मुश्किल होगा, इतना लोगों ने पढ़ा है। और यकीन मानिए, प्यारे नबी की सीरत, प्यारे नबी की जिंदगी वो जिंदगी है जिससे लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। प्यारे नबी की जिंदगी का एक एक वाकया हमारी जिंदगी में काया पलट देगा। अब जितने भी नौ मुस्लिम है ना, उनके वाकया को पढ़िए किताबों में, या उनसे पूछिए, वो बताएंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, उस जिंदगी के उस वाकये ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। गालिबन मध्य प्रदेश के ये ब्राह्मण डॉक्टर और उनकी बीवी, दोनों डॉक्टर, वो मुसलमान हो गए।